नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के भरमा करेले। करेले ऐसे भी बहुत लोगों को बहुत पसंद होता है, और नहीं तो जिनको डायबिटीज़ है या लीवर प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ है, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। तो आइए बनाते हैं करेले। सबसे पहले मैंने 5-7 करेले ले लिए, उनको साफ़ धो के और साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम सब करेलों को एक एक करके छील लेंगे। देखिए इस तरह से हम करेले छील लेंगे। सारे करेले छील चुके हैं। अब हम इसमें करेलों में एक कट लगाएंगे और इनमें पके हुए बीज जितने भी हैं बाहर निकाल देंगे। अगर किसी करेले में पके हुए बीज नहीं है, कच्चे करेले हैं, तो उनको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा खाली कर लेंगे ताकि मसाला भर सकें, फिर बाकी करेले खाली कर लेंगे। अब इनमें अच्छे से हम 2-3 चम्मच नमक लेके अच्छे से नमक लगाएंगे और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 15 मिनट के लिए इनको छोड़ देने से करेले सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा पानी छूट जाएगा और उनका कड़वापन निकल जाएगा। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब इन करेलों को हम अच्छे से साफ पानी में धो लेंगे। अब हमने 2 कटे हुए बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। हम प्याज में ही सारे मसाले डाल देंगे। हमने प्याज में 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, अमचूर पाउडर, थोड़ा हींग और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और नमक, थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि हमने नमक में पहले उनको भिगोया था, तो थोड़ा नमक उसमें ऑलरेडी है। ये मसाले हमने प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। अब हम सारा मसाला थोड़ा थोड़ा करके करेलों में भरेंगे। थोड़ा मसाला दबा दबा के अच्छे से भर देंगे। ये देखिए इस तरह से सारे करेले हम अच्छे से भर देंगे। ये सारे करेले भर चुके हैं। थोड़ा मसाला हमारे पास बचा है, वो हम अलग रख देंगे। और अब हम करेलों को एक धागे से अच्छे से टाइट बांध देंगे, जिससे क्या होगा, हम फ्राई करेंगे तो मसाला बाहर नहीं निकलेगा। अब एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और एक एक करके करेला कढ़ाई में रख देंगे। ये देखिए सारे करेले कढ़ाई में डाल दिए। अब इनको हम गरम तेल में इस तरह से हिलाएंगे कि करेलों के ऊपर एक गरम ऑयल की कोटिंग हो जाए, अच्छे से सब करेले हो जाएं। उनको ढक के रख दिया हमने, 2-3 मिनट के लिए पकाया। अब हम इसको मसाला जो है, जो हमारे पास बच गया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे इसको और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। हम इसको बीच बीच में खोलकर देखते रहेंगे। अगर पानी की जरूरत लगेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे, जब तक कि करेले अच्छे से पक नहीं जाते। ये देखिए हमारे करेले पकने लगे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तेल भी छूट चुका है। इस तरह से हम प्याज के भरमा करेले बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।